हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक इंश्योरेंस एजेंट लॉकडाउन में क्या करें। फ्रेंड्स, आजकल ज़्यादातर स्पीकर अपने ट्रेनिंग सेशंस में इंश्योरेंस पॉलिसीज को ऑनलाइन बेचने पर जोर दे रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही बात है कि इस महामारी के दौर में जहाँ हर इंसान अपने घरों में कैद है, जहाँ सड़कें सूनी हैं, बाजार बंद है, कोई किसी के घर नहीं जा रहा है, तो आप ऐसे कठिन समय में इंश्योरेंस कैसे बेचोगे? फिजिकल अपॉइंटमेंट तो किसी को कोई नहीं दे रहा है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का। ऑनलाइन पॉलिसी आप डिफरेंट तरीके के ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई LIC एजेंट है तो आप आनंदा ऐप के द्वारा पॉलिसी कर सकते हैं। आप क्लाइंट को फ़ोन पर या डिफरेंट तरीके के ऐप्स के थ्रू वीडियो कॉल कर या जूम पर या गूगल मीट पर पॉलिसी समझा सकते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या हर एजेंट के लिए, इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये इतना आसान होगा? जहाँ फेस टू फेस प्लान समझाने पर नॉर्मल डेज में पॉलिसी सेल करने में इतने ऑब्जेक्शंस आते थे, तो क्या इस महामारी के दौर में क्लाइंट ऑनलाइन पॉलिसी ले लेगा? क्या हम इतने ट्रेंड हो गए हैं कि हम अपना पूरा काम उसी स्पीड से ऑनलाइन कर सकते हैं जैसे हम इस महामारी के दौर से पहले करते थे? इसका जवाब है नो, नहीं। सच्चाई तो यही है कि हम में से ज़्यादातर एजेंट का जवाब ना ही होगा। सच्चाई तो यही है कि यह सब इतना आसान नहीं है। हम सब अभी इतने अनुभवी नहीं हैं, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि ऑनलाइन पॉलिसी हम बेच सकते हैं। हाँ, जो एजेंट ये कर रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी तालियां। फ्रेंड्स, आज मेरा फोकस उन्हीं एजेंट पर है जो इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से बंद गए हैं, जिनके इनकम का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, जो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो क्या करें? अगर आप भी इन एजेंट में से एक हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और वीडियो में बताई गई सारी बातों को ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, ज़्यादातर फैमिलीज आज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लोगों के पास रिन्यूअल जमा कराने के पैसे नहीं हैं, तो नए बीमा बेचना आसान नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आपकी पुरानी की हुई पॉलिसी लैप्स ना हो। कोशिश करें कि फ़ोन के माध्यम से ही आप रिन्यूअल टाइम पर जमा कराते रहें। अपने ग्राहक को पहले से ही मैसेज करके, कॉल करके उसके रिन्यूअल की याद दिला दें। और अगर आपको लगता है कि ग्राहक की पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस हैं, तो उसे समझाएं कि इस महामारी के दौर में रिन्यूअल जमा कराना कितना ज़रूरी है। जहां हर दिन किसी न किसी की मृत्यु का दुखद समाचार मिल रहा है, ऐसे में आपके परिवार को जो सुरक्षा चक्र है उसे ना तोड़े, रिन्यूअल को समय समय पर जमा कराते रहें। चाहे आपको दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़े, पर अपनी चल रही पॉलिसियों का प्रीमियम समय पर जरूर भर दें। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें जो मैंने आपको अभी समझाई हैं, ये आप अपने क्लाइंट्स को ज़रूर बताएं ताकि वो समय पर रिन्यूअल जमा करें और उनकी पॉलिसी आगे जाके लैप्स ना हो। इस समय आपके पास टाइम बहुत है, तो इस एक्स्ट्रा टाइम का उपयोग आप अपने प्रोस्पेक्ट बढ़ाने में करें। आपके फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड्स को ऐड करने की लिमिट 5000 है, मतलब आप 5000 फ्रेंड्स को एक आईडी में जोड़ सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी 5000 फ्रेंड्स को अपनी आईडी में जोड़िए और जैसे ही एक आईडी कंप्लीट हो तो दूसरी आईडी बनाकर उसमें भी 5000 फ्रेंड्स को ऐड करिए। इस तरीके से 10000 नए लोगों को आप पहचानने लगेंगे। फ्रेंड्स, जो दिखता है वही बिकता है। तो अब आप घर पर बैठे हैं, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, पर फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट पर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर जरूर करते रहें। अपने फेसबुक की स्टोरी पर भी LIC या इंश्योरेंस के प्लान आप जरूर शेयर करते रहें, क्योंकि लोग प्लान कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करते हैं, उनकी पिक्स भी आप जरूर शेयर करते रहें। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, मैंने व्हाट्सएप को इसलिए नहीं कहा क्योंकि व्हाट्सएप हमें से ज़्यादातर लोग पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप में आप एक ग्रुप में 256 मेंबर से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, पर टेलीग्राम में आप एक ग्रुप में 2 लाख तक मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं।
यानी आपका मैसेज डायरेक्टली 200,000 लोगों तक पहुंच जाता है। आप मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो वॉलपेपर मिलते रहेंगे। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या आप टेलीग्राम ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप सर्च ऑप्शन में जाइए, वहाँ आप लिखिए अपना इंश्योरेंस वाला। जैसे ही आप उस पर सर्च करेंगे और आप उस पर ऐड हो जाइए, तो आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस मैसेजेस आते रहेंगे। अपना व्हाट्सएप स्टेटस आप रोज चेंज करें और ध्यान रहें कि वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही हो। ये दोनों काम के अलावा अगर आप पेज फेसबुक पर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। उसे आप अपनी सभी फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। उस पेज पर भी आप रेगुलर बेसिस पर अपडेट रहिए। एक नियम बनाकर एक फिक्स टाइम पर, जैसे सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, सभी जगह अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो आपके वीडियो हो या वॉलपेपर हो, अपने फेसबुक में ज़रूर शेयर करिए। और फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना इंश्योरेंस वाला आप अपने सर्च ऑप्शन में जाके लिखिए, तो आपको मेरे चैनल का इस तरीके का लोगो दिखेगा और आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जितने भी नए नए वीडियोस अपडेट होते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम पर आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ग्रुप बनाकर ऐड करिए और कंटेंट शेयर करते रहिए। फ्रेंड्स, एक और ऐप है जिसका नाम है लिंक्डइन, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप लिंक्डइन ज्वाइन करिए। लिंक्डइन एक फेसबुक की तरह ही सोशल प्लेटफॉर्म है, पर इंश्योरेंस एजेंट के लिए लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होता है। फ्रेंड्स, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक में सभी तरीके के लोग हैं, जो कुछ काम करते हैं और जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जिनकी अपनी कोई अर्निंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनकी खुद की अर्निंग नहीं है, वो हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नहीं ऐड हो सकते हैं। पर लिंक्डइन में सारे प्रोफेशनल ही होते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या उनका खुद का बिजनेस है। इसलिए लिंक्डइन ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें भी अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी शेयर करते रहिए। लिंक्डइन की एक और खासियत बात है जो हमें बहुत पसंद आती है, वो ये है कि फेसबुक में कई सारे फालतू कंटेंट शेयर होते हैं, जो हमारा समय बहुत वेस्ट करते हैं। पर लिंक्डइन में ज़्यादातर प्रोफेशनल कंटेंट ही शेयर होते हैं, इसलिए एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए फेसबुक से ज़्यादा प्रॉफिट लिंक्डइन ज्वाइन करने में ही होता है। तो फ्रेंड्स, आप लिंक्डइन में भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए और उसमें आप हमारा अपना इंश्योरेंस वाला जब आप सर्च ऑप्शन में लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा और आप हमें फॉलो करते रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। और अभी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और अपने पार्ट 2 में बताऊँगी और टिप्स दूँगी और इन्फॉर्मेशन दूँगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे और ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।